हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है टॉप 10 बेस्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही मेडिवल टाइम का एक्शन, जबरदस्त फाइट सीन्स और भर भर के सेक्सुअल सीन्स होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा एक काउंटडाउन। टॉप 10 वॉच अलोन वेब सीरीज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स यू शुड वॉच नेक्स्ट। नंबर 10 पे है 6 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2020 में आई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा सीरीज कर्स्ड। ये पूरी सीरीज एक लड़की के अराउंड सेंटर्ड है जिसके पास कुछ मिस्टीरियस गिफ्ट है और वो डेस्टिन्ड है एक पावरफुल लेडी बनने के लिए। उसकी माँ की मौत के बाद अपने पार्टनर के साथ वो एक जर्नी पर निकल पड़ती है जिसमें उसे एक स्वॉर्ड डिलीवर करनी है मर्लिन नाम के जादूगर को। इस जर्नी में आप देखोगे फाइटिंग और एक्शन सीन्स, और हाँ, जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी इस सीरीज में मिलेंगे, 4 या 5 न्यूड सीन्स। वन सीजन के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। This is war. And in war there can be no mercy. नंबर 9 पे मैंने आपके लिए रखी है 6.8 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2017 से 2019 के बीच आई हिस्टोरिकल फिक्शन ड्रामा सीरीज नाइटफॉल। ये सीरीज आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही टाइम में बहुत पीछे लेके जाती है और दिखाती है नाइट्स के स्ट्रगल को, उनका सक्सेस, डाउनफॉल, सप्रेशन, ये सब कुछ आप देखोगे इस सीरीज में। मूवी के फाइटिंग सीन्स तो लाजवाब हैं और उससे भी लाजवाब हैं इस सीरीज के एडल्ट सीन्स। बोल्ड न्यूडिटी और इंटीमेट सीन्स देखने को मिलेंगे आपको इस सीरीज में। 2 सीजन के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। I have given my life to the Grail. What kind of queen would I be if I did not defend my people? The ones we love the most are the ones most likely to betray us. अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ। नंबर 8 पे है 7.1 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2021 में आई अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम। सीरीज फॉलो करती है मोरेन नाम के एक जादूगर को जो एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। अब मोरेन ढूंढ रही होती है 5 यंग विलेजर्स को जिनमें से एक के पास अनबिलीवेबल पावर है जिसकी मदद से वो या तो एक डीमन को ख़त्म कर सकती है या उस डीमन के साथ मिलकर दुनिया को ख़त्म कर सकती है। अब क्या होता है वो आपको पता चलेगा ये सीरीज देख के। सीरीज में थोड़ी बहुत न्यूडिटी है। 1 सीजन के साथ ये सीरीज Amazon Prime पर अवेलेबल है। Swear your oath, Moraine Sedai. I swear to speak no word that is not true. To make no weapon with which one person may kill another. And never to use the one power as a weapon. Do you know what Aes Sedai means in the old tongue? Servants of all. It is they who serve the world. नंबर 7 पे मैंने आपके लिए रखी है 7.3 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2022 में आई हिस्टोरिकल ड्रामा एक्शन एडवेंचर सीरीज वाइकिंग्स वेलहेला। ये सीरीज सीक्वल है वाइकिंग्स का जो सेट है वाइकिंग्स के 100 साल बाद। इस सीरीज में आप देखोगे वाइकिंग्स की बर्बादी की शुरुआत को। इस सीरीज में अडल्ट सीन्स तो भर भर के हैं, सब कुछ खुल्ला में खुल्ला दिखाया है। 2 सीजन के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6 पे मैंने रखी है 7.6 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2021 में आई फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री सीरीज शेडो एंड बोन। सीरीज में स्टोरी दिखाई है एक ऑर्फन लड़की की जिसका नाम है एलिना। अब उसको पता चलता है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिससे वो एक काले धुएं को ख़त्म कर सकती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे ये सब करती है। सीरीज में कुछ न्यूड सीन्स है। 2 सीजन के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। Darkling has created an unkillable army made of shadow. नंबर 5 पे मैंने आपके लिए रखी है 7.9 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2015 से 2019 के बीच आई एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज इनटू द बैडलैंड्स। ये सीरीज सेट है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। सीरीज फॉलो करती है एक वॉरियर और यंग बॉय को जो निकले हैं एक जर्नी पर जहां वो गुजरते हैं बहुत सारे शहरों से। सीरीज में एक्शन सीन्स तो जबरदस्त हैं। सीरीज में 1-2 न्यूड सीन्स भी हैं। 3 सीजन्स के साथ ये सीरीज टेलीग्राम पर अवेलेबल है। What's in that trunk? Ain't none of your damn business.
नंबर 4 पे मैंने रखी है 8 आईएमडीबी की रेटिंग्स के साथ 2014 से 2016 के बीच आई एडवेंचर हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज मार्को पोलो। मूवी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां लालच, धोखा, सेक्सुअल अब्यूज, राइवलरी, ये सब कुछ भरा हुआ है सोसाइटी में। ये सब कुछ इस सीरीज में दिखाया है। सीरीज में न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स भरे हुए हैं। 2 सीजन के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3 पे मैंने आपके लिए रखी है 8.1 आईएमडीबी की रेटिंग्स के साथ 2019 में आई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा सीरीज द विचर। ये सीरीज आपको 3 लोगों के इंडिविजुअल स्टोरीज दिखाती है, पर वो तीनों इवेंचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही मेडिवल टाइम में सेट है। सीरीज में एक्शन है, एडवेंचर है और हाँ, सेक्स पार्टी भी है। न्यूड और इंटीमेट सीन्स आप इस सीरीज में देखोगे। 2 सीजन्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ। नंबर 2 पे मैंने रखी है 8.5 आईएमडीबी की रेटिंग के साथ 2015 से 2022 के बीच में आई ब्रिटिश हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज द लास्ट किंगडम। इस सीरीज में भी आप गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही देखोगे कि इंग्लैंड की गद्दी के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं और जो भी जीतेगा वो इंग्लैंड पर राज करेगा। सीरीज में आप एक्सपीरियंस करोगे डर्टी पॉलिटिक्स, जबरदस्त फाइट्स और भर भर के सेक्स सीन्स। 5 सीजन्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। You can forget all about your English life. We like you, boy. You're a son to me now. तो अब हम अपनी वीडियो के क्लाइमेक्स पर पहुंच गए हैं। अगर आपको अभी तक की वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब देखते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 1 की सीरीज। नंबर 1 पे मैंने आपके लिए रखी है 8.5 आईएमडीबी की रेटिंग्स के साथ 2013 से 2020 के बीच में आई एक्शन एडवेंचर हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज वाइकिंग्स। ये सीरीज सेंटर्ड है वाइकिंग्स के चीफ रैग्नार, उसके क्रू और उसकी फैमिली पर। इस सीरीज में एक्शन है, एडवेंचर है और हाँ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, न्यूड और लॉन्ग इंटीमेट सीन्स हैं। 6 सीजन्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। Who are these strangers? Different. And used axes. The most was tall as giants. I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।